हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के इस युवा महोत्सव में। तो आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं किसी सत्संग कार्यक्रम के लिए? पहली बार, ओके, गुड, वेलकम। तो आज का हमारा जो सत्र है, अपलिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का अर्थ जानते हैं सब लोग क्या होता है? चेतना, हमारी चेतना का विकास करना। तो कैसे करें, क्या होती है चेतना, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। मेरा जैसे आप लोगों ने बचपन में सीरियल देखी होगी, मैंने देखा था विक्रम वेताल, सुना आप लोगों ने? कौन प्रश्न पूछता है? वेताल प्रश्न पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मैं चला। तो उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ आपको, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं चला। प्रश्न है, व्हाट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट? असेट समझते हैं, असेट लायबिलिटी। हमारी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी कौन सी है, कौन बताएगा? सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है हमारे पास? हाँ? नहीं भाई, अच्छा क्या होनी चाहिए? बॉडी, ओके, बॉडी। बॉडी इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ओके गुड। हाँ, टैलेंट, टैलेंट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट टू सम एक्सटेंट, यस। कर्म, कर्म, कर्म इज अवर इंपॉर्टेंट असेट, ओके। एनीथिंग एल्स, और कुछ? टाइम, कौन बोला टाइम? वेरी गुड, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंट वी हैव। समय, नॉलेज, कौन कह रहा है नॉलेज? यस, नॉलेज इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट। इज स्किल्स, टैलेंट्स, बैंक बैलेंस, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, हेल्थ, ओके, हेल्थ इज अवर इंपॉर्टेंट असेंट, बस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस। मन की शांति, वो शांति चाहिए, नहीं तो बाकी सब कुछ होके भी कोई फायदा नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट असेंट है। कॉलेज के मार्क्स, परसेंटेज है लेकिन इतने नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं ना आप, तो सबसे महत्वपूर्ण असेट, तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण असेट यदि कुछ है तो वो है हमारी चेतना, अवर कॉन्शियसनेस। आपको ये कैसे, चेतना के बारे में तो पता ही नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, और उससे भी पूर्व हम देखते हैं चेतना वास्तव में हमारे जीवित होने का लक्षण है, राइट? इसको चेतना है क्या? टेबल को, इसको जितना ज्यादा मारेंगे हाथ को ही लगेगा, इसको कुछ होने वाला नहीं है, तो अचेत है। तो चेतना ये जीवित होने का लक्षण होता है, और ये चेतना जो है वो उसके पांच स्तर बताए जाते हैं, 5 levels ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होते हैं ये 5 स्तर? चेतना का सर्वप्रथम स्तर होता है आवृत चेतना, जिसे कहते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस। और जैसे वृक्ष, पेड़, पौधे, ये इस कैटेगरी में आते हैं आवृत चेतना। चेतना कवर्ड होती है उनकी, वो भी उनके अंदर भी चेतना होती है। आपने कई सारे वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक, उन्होंने प्रूव किया, सिद्ध किया कि प्राण वनस्पतियों में भी जीवन होता है ना, कि नहीं? उन्होंने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। तो वनस्पतियों में भी जीवन होता है, उनमें भी चेतना होती है, लेकिन वो चेतना कवर्ड होती है, इसलिए उसे आवृत चेतना कहा जाता है। दूसरा होता है संकुचित चेतना, श्रंकन कॉन्शियसनेस। ये होती है पशु पक्षी, वृक्ष तो है उनमें भी चेतना है लेकिन वो एक जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थावर कहा जाता है। पशु पक्षी वो तो उड़ भी सकते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी चेतना का विकास हुआ है, लेकिन फिर भी श्रंकन, वो संकुचित ही है। तीसरा चेतना का स्तर होता है मुकुलित चेतना, बडिंग कॉन्शियसनेस। बडिंग समझते हैं, जैसे फूल की कली, अभी तक कली से भी पहले का स्तर,
जिसे कहते हैं बडिंग कॉन्शियसनेस। यहां से मनुष्यों की शुरुआत होती है, मनुष्यों की शुरुआत यहां से होती है। अवरुत चेतना किनकी थी? पेड़ पौधों की। संकुचित किसकी थी? पशु पक्षी। मुकुलित से किसकी शुरुआत होती है? मनुष्यों की। लेकिन फिर भी बडिंग है, अभी तक आगे नहीं गया है। चौथा स्तर है, उसे कहते हैं विकसित चेतना, ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। जैसे अभी कली थोड़ी सी खिल गई है, ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। और सबसे ऊंचा और पांचवा स्तर है जिसे कहते हैं पूर्ण विकसित, फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, पूर्ण विकसित है चेतना। तो वास्तव में मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो मुकुलित से विकसित और विकसित से पूर्ण विकसित की ओर अग्रसर होते रहे, तब उन्हें जो है वो प्रगत चेतना वाले या प्रगत मनुष्य कहा जा सकता है। पूर्ण विकसित चेतना। और वास्तव में अपने से किन लोगों ने कुछ तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया हुआ है और सफलता प्राप्त करने के बाद आप खुश हुए, ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? कुछ तो छोटा मोटा कुछ किया है, कुछ तो किया है, कुछ भी ऐसे दिया है कर लिया है, होमवर्क दिया है होमवर्क कर लिया है, करने के बाद खुशी हुई है, किया है, कुछ तो प्रोजेक्ट किया हुआ है, राइट? एंड आफ्टर कंप्लीशन वी आर सेटिस्फाइड टू सम एक्सटेंट। उसी प्रकार से भगवान ने जब सृष्टि की निर्मिति की, एक 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 बनाते गए, पशु पक्षी बनाए, वृक्ष बनाए, सब कुछ बनाए, उसके पश्चात जब मनुष्यों का सृजन किया, उसके बाद भगवान खुश हो गए, वाह कुछ तो बनाया मैंने चीज। क्यों? क्योंकि उस उद्देश्य से उन्होंने मनुष्यों को बनाया था कि वो अपने चेतना का विकास इस प्रकार से, क्योंकि ऑलरेडी विकसित चेतना है पशु पक्षी और वृक्षों पेड़ पौधों के तुलना में, तो ये लोग बहुत अच्छा कुछ कर दिखाएंगे, इसलिए भगवान खुश हो गए कि वाह क्या सृष्टि की है मैंने। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, लेकिन बाद में पता चला ये तो कुछ काम के ही नहीं है, जो करना चाहिए वो तो करते नहीं है, दूसरा ही कुछ करते रहते हैं, मंदिर में बुलाओ तो आते नहीं है, थिएटर में तो बिना बुलाए चले जाते हैं, ऐसे मनुष्य आज के। तो इस प्रकार से भगवान खुश थे वास्तव में जब उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति की, लेकिन हालांकि उनकी चेतना विकसित होनी चाहिए, उच्च स्तर की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी चेतना जो है वो नीचे ही पाई जाती है। आप जानते हैं कौन सा पक्षी है? इसे पेरेग्रीन फाल्कन नाम से जाना जाता है। क्या है पेरेग्रीन फाल्कन? ये विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है और इसकी रफ्तार आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, राजधानी से भी तेज है इतना उसका गति होता है। और सबसे ऊंचा आकाश में उड़ता है, ईगल, फाल्कन, वल्चर, जो भी आपको हो। तो पेरेग्रीन फाल्कन, अभी इसके साथ होता क्या है आप देखिए, एक सुपर मोर देन 1.5 किलोमीटर, इतना दूर से उसकी तीक्ष्ण दृष्टि होती है, यहां से 1 किलोमीटर आप लोग कितना देख सकते हैं। और न केवल देखना, अभी 1 किलोमीटर तक देखता है और उसका स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितने क्षण में पहुंच जाएगा, राइट? 1 किलोमीटर का वो अंतर कितने क्षण में पार कर लेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है वास्तव में कि हालांकि दिस फाल्कन, पेरेग्रीन फाल्कन हैज अ ग्रेट हाइट बट संकुचित विजन, हालांकि इतना ऊंचा उड़ रहा है लेकिन दृष्टि कहां पे उसकी? कुछ पशु पक्षी मिल जाए खाने को, या कुछ मरा हुआ पड़ गया है तो उसको पकड़ लेता है, तो मरी हुई चीज, मरा हुआ पशु पक्षी उसको देख गया तो उसके ऊपर उसकी नजर होती है कि चलो जाके वो खा ले। तो इतना कोई ऊपर ऊंचा उड़ रहा है लेकिन फिर भी नजर कहां पे है? क्या खाने को मिल रहा है, कुछ मरा हुआ है पशु, इस प्रकार से जो उनकी दृष्टि होती है।
तो इसी प्रकार से यदि मनुष्य भी इतना ऊंचा विकास कर ले, इतना प्रगत कर ले, लेकिन फिर भी वही कॉमन थिंग्स विच इवन एनिमल्स गेट वेरी इजीली, उनकी और उसकी दृष्टि रहे, तो उस विकास का कुछ फायदा नहीं रहा जाएगा। इसलिए हितोपदेश में कहा जाता है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, कि पशु और मनुष्य इनमें चार चीजें कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, सो दिस फोर थिंग्स आर कॉमन, और वही कॉमन चीजें करते रहे तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या है, तो अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी चेतना, हम लोग ऊपर उड़ रहे तो कम से कम ऊपर देखे, राइट, तो चेतना का विकास करें, और चेतना के विकास के लिए योग एक बहुत बड़ा साधन है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि योग की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज योग, क्या होता है योग, योग भगाए रोग, सुना होगा आपने, राइट, योग हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस इस प्रकार से, क्या वही है योग। एक बार एक छोटी सी लड़की, उसको नाखून खाने की आदत थी, हमेशा होती है ना, बुरी आदत है, बैड हैबिट, नाखून खाने की आदत थी, रामदेव बाबा के योगा शिविर में लेके गई, उसकी नाखून खाने की आदत छूट गई, हाथ के नाखून खाने की आदत छूट गई, अभी वह पैर के नाखून खाती है योगा सीख गए ना, अभी पैर भी मुंह में डाला जा सकता है। तो वास्तव में योग क्या है, तो पतंजलि मुनि योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, ये पतंजलि योग सूत्र आपने सुना होगा नाम, बहुत बड़ा योग शास्त्र का किताब है, उसका पहला सूत्र ही है अथ योग अनुशासनम, और उसके पश्चात दूसरा सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोधः। योग की परिभाषा वास्तव में क्या है पतंजलि मुनि के अनुसार, जिन्होंने संपूर्ण योग सूत्रों की रचना की है, वो कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त समझते हैं आप सब लोग, चित्त कॉन्शियसनेस, चेतना जिसके हम लोग बात कर रहे हैं वही शब्द है चित्त। चित्त वृत्ति, वृत्ति का अर्थ हम समझेंगे आगे चल के, और निरोध, निरोध का अर्थ होता है स्टॉप, रोकना, कि चित्त की जो वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है झुकाव, वो कुछ चीज करने की उसकी रिपीटेड हैबिट, तो बार 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 वही करना, उसी दिशा में जाना, वो है वृत्ति। जैसे कुछ चीज ऊपर फेंक दी तो कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी, वो है उसकी वृत्ति। समझ में आया आपको वृत्ति का अर्थ है, तो चित्त की वृत्ति सदैव जहां जा रही है वहां से उसको रोक लेना, उसे कहते हैं योग। और इसका इसका परिणाम क्या होता है कि चित्त शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि एकाग्रता की कितनी कमी है संसार में, है कि नहीं, एकाग्रता ही नहीं मिलती। और वास्तव में देखा जाए तो एकाग्रता इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच वन कैन पजेस, कॉन्सेंट्रेशन। आपने देखा होगा गोली बंदूक की, रिवॉल्वर से, रिवॉल्वर का उसका जो एग्जिट पॉइंट होता है वो छोटा होता है, राइट, ताकि वो ज्यादा वेलोसिटी से आगे जा सके। आपने व्हीकल वॉश करने का नोजल टिप देखा है, व्हीकल वॉश करते हैं उससे, राइट, इतना बड़ा होता है उसका, नहीं, एकदम पतला छोटा सा, जितना कम डायमेंशन का होल उतना अधिक स्पीड उस जल को मिल जाएगा, उतना वेलोसिटी मिलेगा, और फिर प्रेशर से व्हीकल का क्लीनिंग हो सकता है, राइट। तो पिस्तूल से गोली चलानी हो, या फिर आप धनुष भी देखे होंगे, धनुष कैसा होता है उसका नोक कैसा होता है, राइट, धनुष का नोक कैसा होता है, फटा हुआ कुर्ता किन लोगों ने सिया हुआ है, कुर्ते को बटन लगाए, बटन बटन लगाया हुआ है, राइट, थोड़ा सिलाई किया है, तो सुई का नोक कैसा होता है, पॉइंटेड, राइट। कभी उल्टी उल्टी सुई डालने का प्रयास किया है किसी ने, उल्टी सुई से छेद करके देखिए, प्रयत्न कीजिए, कपड़ा सीना है, उल्टी सुई डालेंगे, जाएगा उसके अंदर, जाएगा या नहीं जाएगा, तो कपड़ा और फट देगा।
तो इसलिए सुई जो होती है वो भी पॉइंटेड होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोई और आप लोगों ने कितने लोगों ने प्रयोग किया हुआ है, स्कूल में हम लोग प्रयोग किए थे इसका, कि फोकसिंग लेंस है, सूरज के किरण एकत्रित कर रहे हैं और नीचे का पेपर जलाया है। कितने लोगों ने किया है प्रयोग? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो वही पेपर बाहर रख दिया जाए गैलरी में तो बरसों रहेगा, वो जल नहीं सकता, लेकिन केवल 5 मिनट के अंदर जो है वो सूर्य की रोशनी यदि वो एकत्रित कर पाए और फोकसिंग लेंस रखे तो उस पेपर को जला सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो वास्तव में ये एकाग्रता, ये कॉन्सेंट्रेशन ही ऐसी वस्तु है जो कई सारे लोगों को सफल बनाती है। जैसे हमने इतने सारे उदाहरण देखे, सुई का नोक, धनुष का बाण का नोक, रिवॉल्वर लो, वॉशिंग का नोजल लो, या फिर फोकसिंग द रेज ऑफ द सन लीजिए, यहाँ पे सब जगह आप देखते हैं। तो वास्तव में क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग, राइट। तो इसी प्रकार से हमारे चित्त की जो वृत्ति है उसको एकाग्र कर पाना, कॉन्सेंट्रेट कर पाना एक जगह, ताकि उससे अधिक चीजों को हासिल कर पाए। और वास्तव में यही वो कॉन्सेंट्रेशन है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, जो हमारे मनोबल को बढ़ा सकता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। यदि वो कॉन्सेंट्रेशन, वो एकाग्रता यदि नहीं है तो हम चाहे जो कर ले हम उसमें और सक्षम नहीं हो सकते। तो यह है योग की परिभाषा, चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त की साधारण वृत्ति है उसे स्टॉप करके चित्त की दिशा को बदली कर देना, इसे कहते हैं योग वास्तव में। और जो चित्त है वो चित्त हमारे अंदर संस्कारों की खान होता है। क्या होता है चित्त? संस्कारों की खान, संस्कार होते हैं चित्त के ऊपर। अभी कैसे ये कार्य करता है इसकी थोड़ी सी टेक्निकल विधि है जो पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि मुनि बताते हैं, उपनिषदों में भी इसका वर्णन आता है और भगवद गीता में भी कुछ हद तक इसका वर्णन आता है, तो वो विधि हम लोग समझेंगे। सर्वप्रथम आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? वाव, अल्फांसो, हापुस आम है। आम का सीजन तो वैसे समाप्त हो गया, नहीं तो हर एक को हम लोग आम देते थे आज। अच्छा, इसका रंग कैसा है? कौन सा? केसरी, येलोइश, ऑरेंज, ऑरेंज, यस। इसका स्मेल कैसा रहेगा? फ्रेग्रेंस, तुरंत आपको अपने पिछले सीजन में आम का सुगंध लिया हुआ याद आया? कितने लोगों को याद आया? सुगंध बोला तो याद आया, सुगंध, ओके। इसका टेक्सचर कैसा है? हाथ लगा के देखिए टेक्सचर, उठ के स्क्रीन पर मत जाइए। आपका किया हुआ अनुभव याद कीजिए, याद आ रहा है अनुभव? आम पकड़ा हुआ है, टेक्सचर। और इसकी टेस्ट याद कीजिए, टेस्ट। आमरस, मई महीना, हापुस आम और उसका जूस पी रहे, वाह। प्रभु जी मत दिलाइए वो यादें, आज कहाँ है आम। तो वास्तव में क्या होता है, जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं, तो अभी मैंने जो कुछ आपको बताया ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल ज्ञान है। अरे इसमें कौन सा ज्ञान है भाई? मैंने इसको आपका रंग पूछा, कौन सी इंद्रियों ने आप इसका रंग देखा था? आंखें। मैंने इसको इसका गंध पूछा, कौन सी इंद्रिया थी? नाक। मैंने इसका टेक्सचर पूछा, कौन सी इंद्रिया थी? त्वचा, स्पर्श इंद्रिया। और मैंने इसका स्वाद पूछा, कौन सी इंद्रिया थी? जिह्वा। तो वास्तव में हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे चित्त के अंदर एक संस्कार छोड़ देता है, और उस संस्कार के कारण आप लोगों को अभी भी वो स्वाद, वो रंग, वो रूप उसका याद है। अच्छा, मैंने केवल आम का ही पूछा और किसी चीज का नहीं पूछा, या और किसी व्यक्ति का नहीं पूछा।
नहीं तो होता ना किसी का कोई बगल से निकल जाए क्या सुगंध है और सुगंध से व्यक्ति याद रहता है, ऐसे कभी देखा होगा आप लोगों ने, देखा है किसी की पसीने की बदबू आती है तो हाँ वो आ गया सॉक्स की बदबू बरसों से धोया नहीं है वो व्यक्ति आ गया, शायद क्लास में पीछे से भी आया होगा तो पीछे बैठ गया शायद आ गया। तो इस प्रकार से वो संस्कार चित्त में सारे इंद्रियां इनपुट्स डालती रहती है। तो ये संस्कारों की खान कैसे कार्य कर रही है, ज्ञानेंद्रिया ये जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया है आंखें नाक कान त्वचा और जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियों को हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी है उसका अनुभव होता है, राइट, उसका अनुभव होता है। हम लोग स्पर्श करते हैं, स्पर्श से हमें ज्ञान होता है, कहीं हमारी आंखें भी है बंद है और कोई कुछ वस्तु हाथ में दे दे तो हम लोग समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या दिया है अभी, कुछ हद तक राइट, यदि स्पर्श इंद्रिया का उस हद तक विकास हुआ है तो उसका अनुभव हमें होता है। तो यह है स्टेप वन, संस्कार कैसे बनते हैं, अनुभव संस्कार की दिशा का पहला कदम है। पहला कदम क्या है, अनुभव है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी क्या होता है, इंद्रियों ने स्पर्श किया या देखा सूंघा जो भी है वो ज्ञान प्राप्त किया, वो अनुभव हुआ, वो अभी आगे जा रहा है, वो भी कहां जा रहा है, इंद्रियों के अनुभवों की संवेदनाएं होती है, वो संवेदना में परिवर्तित होता है और ये संवेदन तरंगों में होते हैं, ये तरंगे बिल्कुल सूक्ष्म होती है और इन संवेदनों की तरंगे मन तक पहुंचती है, मन इन संवेदनों का रूपांतर करता है विचारों में। तो संवेदना मन तक पहुंच गई और मन ने परिवर्तन किसमें किया, विचारों में कर दिया। जैसे आप मक्खन है, मक्खन को उबालो 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 उबालो, कुछ समय पश्चात उसका परिवर्तन घी में हो जाता है, होता है ना, उसी प्रकार से इन तरंगों का रूपांतरण मन ने विचारों में कर दिया है। देन वी कम टू स्टेप टू, इस प्रकार मन के विचार से संस्कारों की दिशा का दूसरा कदम है। तो मन में अभी विचार उत्पन्न है और मन में मन के विचार, मन के अंदर पहले से ही कुछ इंप्रेशंस रहते हैं और मन के अंदर जो विचार है, अभी मन मन के पास लाइकिंग है डिसलाइकिंग है, कितने लोगों को आम अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है, वाओ एवरीवन लाइक्स, क्योंकि मैंने आम का उदाहरण दिया था इसलिए, अच्छा मतलब एवरीवन लाइक्स मैंगो राइट, तो हमारे अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, ये मन तय करता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दिस। गौर किशोर आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, खाने की क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, करेले की सब्जी, माय गॉड कितने लोगों को नहीं अच्छी लगती है अभी आप 50% हैंड्स अप, लेकिन मुझे पूछो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये पसंद नापसंद, अच्छा नहीं लगना अच्छा लगना, ये सब खेल कहां पे है, ये मन के अंदर है। तो ये मन अपना वैल्यू एडिशन कर देता है उन विचारों के माध्यम से, तो मन ने अपना वैल्यू एडिशन किया, इंद्रियों ने अपना वैल्यू एडिशन किया, अनुभव का मन के पास भेज दिया, मन ने अपना वैल्यू एडिशन किया विचार का, पसंद ना पसंद कर उसको आगे पास ऑन कर दिया, आगे किसके पास गया, स्टेप थ्री, बुद्धि के पास चला गया, बुद्धि के पास विचारों की तरंगों का पहुंचना या संस्कारों की दिशा में तीसरा कदम है, अभी बुद्धि के पास पहुंच गया है, तभी बुद्धि उसको ऐसे छोड़ने वाली नहीं है, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि उसको जानने का प्रयास करती है, एग्जैक्टली क्या है, ये आम है ये शरीर के लिए अच्छा होता है, आप बोलो शरीर के लिए अच्छा होता है छोड़ो मुझे जीवा के लिए अच्छा लग रहा है ना बस, आई लाइक इट, लेकिन बुद्धि 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 जो है वो तर्क करती है, अरे तुझे करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती लेकिन बताते हैं करेले का जूस बहुत अच्छा होता है रक्त शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा होता है, दूधी की सब्जी कितने लोगों को अच्छी नहीं लगती, दूधी डांगर नाम से ही हेट करते हैं हम लोग राइट, क्या एक सब्जी के नाम है, लेकिन फिर बाबा रामदेव के पास जाते हैं तो दूधी का जूस करेले का सूप और उसमें कड़वे नीम का तड़का, आह
बुद्धि बोलती है, बुद्धि बुद्धि के पास तर्क होता है, बुद्धि तुलना करती है, बुद्धि कंपेयर करती है, बुद्धि एकत्रित करती है तो संश्लेषण, अलग करती है तो विश्लेषण। इस प्रकार से बुद्धि का कार्य होता है, तुलना करना, तर्क करना। ये बुद्धि इस प्रकार से जो है वो उसमें अपना वैल्यू एडिशन करती है और फिर वो जो आई हुई तरंगे वो और आगे जा रही है। लास्ट स्टेप, स्टेप फोर, विवेक बुद्धि। विवेक की तरंगे बुद्धि के पास से अहंकार के पास जाती है और अहंकार अर्थात मैं पना अर्थात कर्ता, मैं कुछ कर रहा हूं, वो भाव उसके अंदर जुड़ जाता है। बुद्धि के विवेक की तरंगों में कर्ता मैं पना जो अभिमान जो है वो जुड़ जाता है और ऐसी विवेक युक्त तरंगे अभिमान के साथ मिलकर उसकी छाप चित्त पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ है कि चित्त इन तरंगों के साथ एक रूप हो जाता है, इसे ही संस्कार कहते हैं। तो चित्त एक रूप हो गया, इसलिए इतनी हमारी इसके आधार पे स्मृति भी होती है। कि कितने लोग गुलाब जाम अच्छा लगता है? गुलाब जाम, वाओ, एवरीवन लाइक्स। बाय द वे टुडे नो गुलाब जाम इज देयर। ज्यादा हाथ ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं। तो गुलाब जाम हमें अच्छा लगता है, जब गुलाब जाम हम लोग खाते हैं, अभी अच्छा लगता है क्या है? क्यों आपने हाथ ऊपर किया पता है? क्योंकि आपने सबसे पहला बार जो देख, पहले क्या हुआ था तो अनुभव हुआ था, इंद्रियों ने शायद देखा रहेगा, क्या दिख रहा है, व्हाट इज दैट ब्राउन। फिर आपने स्पर्श किया होगा, मुलायम लग रहा है। और फिर आपने जीवा पे डाला होगा, वाओ, रसीला, मुलायम गुलाब जाम और उसका सुगंध। तो ये सारे चीजों ने उतना इंप्रेशन दे दिया है कि आपको गुलाब जाम अच्छा लगने लगा है। और अभी गुलाब जाम का शब्द का उच्चारण करते ही आप उसके स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे कई सारे जन्म हुए हैं और इन अनंत जन्मों में हमने कई सारे संस्कारों की लेयर्स जोड़ रखे हैं। तो ये संस्कार जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के इतने सारे लेयर्स आते रहते हैं और लेयर के ऊपर लेयर। आपको गुलाब जाम अच्छा लगता है आपने बताया, कौन बता सकता है कि आपने कितने बार गुलाब जाम खाया है? ये भी कोई काउंट करने की बात है क्या? तो कितनी बार खाया हमें इस जन्म में वो भी नहीं पता है। कल्पना कीजिए कितने गहरे संस्कार उस एक गुलाब जाम जो हमने खाया हुआ है उसके उतने हुए है। तो इसी प्रकार से हमारे इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हमने हमारे सिस्टम के अंदर लिया है इस जीवन में, पिछले जन्म में, उसके पिछले जीवन में, ऐसे जितने सारे जन्म हुए है, इसमें जितने सारे संस्कारों की जो लेयर्स जुड़ी हुई, कल्पना कीजिए उसका थिकनेस कितना रहेगा। तो जो चित्त है इसलिए उसे खान कहा गया है। खान समझते क्या होता है? सोने की खान, सुना है ना? खान में कितना सोना मिलता है? सोने की खान है तो अनलिमिटेड, राइट? जैसे ऑयल, ऑयल की खान होती है या कोयले की खान। खान मतलब इट्स लाइक अनलिमिटेड रिसोर्स, वो एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी प्रकार से ये संस्कारों की खान होती है। अब ये संस्कार, संस्कार वास्तव में ये पॉजिटिव कोनोटेशन इसका ज्यादा है। संस्कार सकारात्मक भी हो सकते हैं, संस्कार नकारात्मक भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो संस्कार कैन बी पॉजिटिव, संस्कार कैन बी निगेटिव एज वेल। और वही संस्कार जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं जैसे भी हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हम हमारा शरीर त्याग देते हैं लेकिन चित्त साथ में जाता है और चित्त में संस्कार स्टोर होते हैं, इसलिए अगले जन्म में वो भी चले गए। इसलिए ये जो चित्त है वो क्या है? आउटसाइड जो है वो जगत है, ये भौतिक संसार, और इनसाइड क्या है? आत्मा। और इन दोनों के बीच में आता है चित्त। तो वास्तव में चित्त इन दोनों के बीच का जो है वो माध्यम है, वाया मीडिया जिसे हम लोग कह सकते हैं। दरवाजा जो है वो यहां पर चित्त है, चित्त है। तो चित्त कनेक्ट्स इनसाइड वर्ल्ड विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। क्योंकि चित्त के ऊपर संस्कार कैसे हुए हमने देखा ना, इंद्रियां पहले देख रही है, फिर देख के तरंगे, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार और फिर उसके ऊपर उपरांत चित्त, और चित्त में संस्कार के रूप में पूरा पैक हो गया। और ऐसा पैक हो गया अभी मैं कहीं पर भी जाऊं फिर भी वो चित्त में कैरी कर रहे, राइट? जैसे गुलाब जाम की बात मैंने अभी कही थी,
तो गुलाब जामुन अभी आपके पास है क्या यहाँ पर? है जेब में लेके आए? कोई नहीं मिलेगा तो निकाल के प्लेट में तो यहां पर नहीं लाया है, लेकिन चित्त में है कि नहीं? लेकिन चित्त में इतना गहरा उसका संस्कार हुआ है। तो इसलिए हमें उस, जब हम लोग चेतना की उन्नति की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग द बैड लेयर्स ऑफ द संस्कारास इन अवर चित्त। हमारे चित्त के ऊपर जो संस्कारों की परत, जो लेयर चढ़ा हुआ है, बुरा लेयर कहो, उसे निकालना है हमें। और चेतना को तभी हम लोग उन्नत कर सकते हैं, क्योंकि चेतना दबी हुई क्यों है? पूर्ण विकसित से वो निचले स्तर पे आई हुई है, क्योंकि वही वही चीजें हम लोग बार बार कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे उन्नत चेतना के 5 लक्षण। कोई व्यक्ति है, कैसे समझे कि इस व्यक्ति की चेतना उन्नत हुई है, कैसे समझना चाहिए? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट कैन बी एनी वन सिम्टम, आप क्या कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति की चेतना विकसित है? कुछ तो आपके मन में होगा। यस, हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट, यस, वेरी गुड। विकसित चेतना का लक्षण है पॉजिटिव माइंडसेट, यस। हाँ, कंट्रोल ऑन योर माइंड, यस, कंट्रोल ऑन योर माइंड। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है लेकिन कंट्रोल। हाँ, गलती से सीखना और वे ऑफ टॉकिंग, हाउ यू टॉक विद अदर पीपल, अच्छे संस्कार, कंट्रोलिंग द सेंसेस, यस, दीज आर ऑल व्हाट यू आर सेइंग, दे आर करेक्ट, उन्नत चेतना के लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण है, लेकिन ये 5 जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला, ही डज नॉट फाइट ओवर स्मॉल 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 थिंग्स, क्योंकि उसकी चेतना विकसित हो गई है अभी, तो वो छोटे छोटे चीजों के ऊपर गुस्सा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। नहीं तो ये तेरा, ये मेरा, तेरा मेरा झगड़ा। इसलिए एक बहुत सुंदर सुभाषित है, मेरे पीछे दोहराइए, अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। अयम निजह, ये मेरा है, परह वेत्ति, ये दूसरे का है, ये मेरा है, ये तेरा है, गणना लघु चेतसाम, ऐसा कौन काउंटिंग करता है तेरा मेरा? लघु चेतसाम, जिसकी चेतना लघु है, जिसका विकास नहीं हुआ है, वो इस प्रकार से विचार करता है। लेकिन उदार चरितानाम तो, जिसके चित्त का विकास हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ हमारा, सब कुछ भगवान का, इस प्रकार से उसकी चेतना होती है। यह है उदार चरित वाले व्यक्ति का लक्षण। दूसरा, ही डज नॉट रिएक्ट बट ही रिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन। रिएक्ट समझते हैं, रिएक्ट, कोई कुछ बोल दे वो तुरंत रिएक्ट करना, रिएक्शन देना, बट ही रिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन। दोनों में क्या अंतर है, उदाहरण से समझेंगे। सोडा कितने लोगों ने पिया है, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, जो भी लो, या वी हैव द एक्सपीरियंस, उसका लीड निकाला नहीं अभी तक, पैक है, जोर से हिलाया और ओपनर से खोल दिया, क्या हो जाएगा, पूरा बाहर आ गया, चैंपियन पार्टी लोग ऐसे मनाते हैं। तो सोडा बॉटल को जितना हिलाएंगे, उतना तीव्रता से, उतना प्रेशर से, उतने बबल के साथ उसके अंदर का लिक्विड बाहर आ जाएगा, राइट? तो ये है रिएक्ट। उसके विपरीत रिस्पॉन्ड क्या होता है, बिस्लेरी बॉटल लो, भरपूर हिलाओ और उसका ढक्कन खोलो, क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बिस्लेरी, क्योंकि सोडा नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार से हम जीवन में कभी कभी कुछ परिस्थिति आती है, हमें हिलाती है, थोड़ा हिला देती है, तो क्या हम सोडा बॉटल जैसी प्रतिक्रिया देते हैं या बिस्लेरी बॉटल जैसी प्रतिक्रिया देते हैं?
वो निर्भर करेगा हमारे चेतना के स्तर के ऊपर कि हमारी चेतना कैसे विकसित है, कितनी विकसित है। यदि कम विकसित है तो रिएक्ट करेंगे, अधिक विकसित है तो रिस्पॉन्ड करेंगे। तीसरा उन्नत चेतना का लक्षण होता है आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस कैंट अफेक्ट दैट पर्सन। बाहर की कैसी भी परिस्थिति उसके जीवन में आए वो उसे विचलित नहीं कर सकती। जैसे बोट होती है ना, बोट आपने देखा होगा, एंकर्ड बोट, समंदर की कितनी भी लहरें आए जाए क्योंकि वो बोट अभी एंकर्ड है, वो हिलेगी डुलेगी लेकिन गिरेगी नहीं, तो विचलित नहीं होता ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना विकसित है। आपने एक देखा होगा छोटा सा पौधा होता है लाजाड़ू, देखा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, थोड़ा स्पर्श करो तो सिकुड़ जाता है, राइट, थोड़ा स्पर्श करो सिकुड़ जाता है। हमारे आश्रम के बाहर ही है, मैं जाते जाते हमेशा खेलते खेलते लगाते उसको, सिकुड़ जाता है, राइट, लाजाड़ू, लाजाड़ू बोलते उसको, शर्मा जाता है तो उसको स्पर्श करो कि सिकुड़ जाए, स्पर्श करो करो टच मी नॉट प्लांट, तुरंत जो है वो परिस्थिति का प्रभाव उसके ऊपर हो जाता है। और उसके विपरीत और एक वस्तु है जिसे कमल का पत्ता आपने देखा होगा, उसके ऊपर पूरा बकेट भर के पानी डाल दो तो भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, वैसे के वैसा रहेगा, डोंट गेट डिस्टर्ब। जैसे पानी के ऊपर कोई फ्लोट कर रहा है उस प्रकार से फ्लोट ही करता रहेगा वो, और वो लाजाड़ू यदि उसके जगह हो जाएगा तो बकेट भर डाल देंगे तो पूरा उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भी कई सारी परिस्थितियां आती है, क्या हम विचलित होते हैं या नहीं होते हैं वो निर्भर करेगा हमारी चेतना का विकास किस हद तक हुआ है उसके ऊपर। इसलिए हम देखते हैं हमारे शास्त्र में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनके जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आई लेकिन वो लोग विचलित नहीं हुए। प्रभु रामचंद्र, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है और आज की शाम को उन्हें बताया गया कि आपको जंगल में जाना है वनवास। पता है रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे वनवास नहीं मिला है, मुझे 14 साल का नया सीखने का मौका मिला है। जैसे किसी ने कहा था ना, पॉजिटिव एटीट्यूड इज द सिम्टम ऑफ एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, तो वैसे उनकी चेतना। और क्योंकि अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है इसी महीने में, तो द थ्रेट प्रेजेंटेड बाय कालिया वॉज मेड इन टू अ थिएटर बाय लॉर्ड कृष्ण। वहां पर डांस किया था उन्होंने, राइट, कालिया डांस यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव सामने है आपके, तो कालिया कृष्ण। तो जीवन ने ऐसी कुछ परिस्थितियों में उन्हें डाला लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में वो विचलित नहीं हुए। केवल विचलित ही नहीं हुए लेकिन उन परिस्थितियों का उन्होंने इस प्रकार से उपयोग किया कि आज भी सारा संसार उनके गुणगान गाता है, गुणों का बखान करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटनेस। चौथा लक्षण होता है उन्नत चेतना का, ही थिंक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़ा आगे की सोचता है, थोड़ा आगे की सोचता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, आज कुछ मिल जाए खाने को, जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग शॉर्ट टर्म, दैट इज शॉर्ट साइटेड जिसे हम लोग कह सकते हैं। वो भी एक निम्न या अविकसित चेतना का लक्षण है। लेकिन जैसे जैसे चेतना का विकास होते जाता है वैसे वैसे व्यक्ति आगे की सोच सकता है, ही कैन थिंक अहेड, थिंक फार। और वास्तव में डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी फार साइटेडनेस के ऊपर ही निर्भर करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस वी मेक, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस वी टेक इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच वी कैन सी द लॉन्ग टर्म इन अवर लाइफ। नहीं तो शॉर्ट टर्म केवल देखते रहते हैं तो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट ही व्यक्ति सोचता है हमेशा। जैसे कॉलेज में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, कॉलेज का पहला दिन कौन पढ़ाई करता है, पहला दिन भी कोई पढ़ाई का दिन होता है, प्रभु जी क्या आप भी,
फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हम जब मैं किकबैक में इंजीनियरिंग के लिए था तो एक हमारा सेमेस्टर पैटर्न होता है, सेमेस्टर का पहला पेपर था और एक बंदे का मुझे फोन आता है दो दिन पहले, बीच में पीएल था, पीएल के एंड में, पीएल में भी मतलब कॉलेज तो छोड़ दो, पीएल भी लगभग जा रही है, दो दिन बचे पहले पेपर के पहले वो फोन करता है और पूछता है कि मैथ्स का पेपर था हमारा, वो मैथ्स के लिए कौन सी किताब अच्छी रहे, पहला तो तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है अभी। तो टू डेज, और जो लॉन्ग टर्म का सोचेगा चलो ठीक है पहला दिन नहीं पहला सप्ताह नहीं लेकिन कभी तो पढ़ाई शुरू कर देगा ना, कभी तो पढ़ाई शुरू कर देगा, बाद में फिर पीएल आएगा और पीएल में तो कम से कम अच्छा पढ़ेगा। तो ऐसे नहीं कि एग्जाम के पहले दिन कौन सी अच्छी किताब है वो ढूंढो और फिर उस हिसाब से, तो वो केवल शॉर्ट टर्म वाला है। तो चेतना का विकसित चेतना का ये लक्षण है कि वह व्यक्ति आगे की सोचता है। और पांचवा और आखिरी लक्षण विकसित चेतना का होता है कि ही लिव्स अ प्योर एंड सीरीन लाइफ, एक शुद्ध जीवन जीता है उच्च चेतना में स्थित व्यक्ति, शांत जीवन, जिसने किसी ने कहा था पीस ऑफ माइंड। तो उसका चित्त है ज्यादा क्या कहते हैं उसे, व्यग्र नहीं होता, शांत चित्त वाला होता है, कई कई कुछ चीजों का बहुत अधिक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है और जीवन भी उसका शुद्ध चलता है, शुद्ध जीवन जिसे कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, सुना होगा ना आपने, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। व्हाट इज दैट हाई थिंकिंग, हाउ डज वन गेट दैट हाई थिंकिंग, बिकॉज ऑफ हाई कॉन्शियसनेस वन गेट्स द हाई थिंकिंग। तो वो उसका विचार होता है ऊंचा विचार, ऊंचा विचार मतलब ऊंची चेतना, ये उसका फाउंडेशन है। तो ये पांच लक्षण हमने जो है वो देख लिए विकसित चेतना के। अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आप सुन के बोर हो गए होंगे थोड़ा सा, आपको क्या करना है, आपका एक पार्टनर कोई तो ढूंढ लेना है, एक जन का हाथ पकड़ लीजिए, हैंडशेक किसी एक के साथ, बगल वाला फटाफट किसी एक के साथ फटाफट, कोई तो एक चाहिए आपके पास, कोई नहीं है तो जगह चेंज कर लो लेकिन ढूंढो, कोई तो चाहिए आपको, यू नीड वन पर्सन। आपका हो गया, आपका बाकी है, नहीं मिला कोई, कोई है जिसको नहीं मिला है पार्टनर, हाँ आप इसको पास आ जाओ, येलो शर्ट वाले पास आ जाओ, आ जाओ, सबको मिल गया, आपको मिला, यू हैव व्हाट, शाम आपको मिला है पार्टनर, यस एवरीवन हैज अ पार्टनर। अच्छा मेरे लेफ्ट साइड वाला पार्टनर हाथ ऊपर कीजिए, मेरे लेफ्ट साइड वाला पार्टनर हाथ ऊपर कीजिए, मेरे लेफ्ट साइड वाले पार्टनर्स, दो दो पेयर है ना अभी, हर एक का हाथ ऊपर आना चाहिए जो लेफ्ट में है, मेरे लेफ्ट में है, मेरे लेफ्ट में है, उसका हाथ ऊपर होना चाहिए, उसका नाम है ए, जो मेरे लेफ्ट में है उस पार्टनर का नाम है ए, इसने बगल वाले को प्रश्न पूछना है हाउ टू प्यूरिफाई एंड अपलिफ्ट कॉन्शियसनेस, और बगल वाला उत्तर देगा उसको सुन लेना है, सुन लेना है शांति से। अभी हाथ नीचे कीजिए, मेरे राइट साइड वाले जो कौन है वो हाथ ऊपर कीजिए, आपका नाम है बी, आपको दूसरे वाले को प्रश्न पूछना है कि मुझे चेतना को नीचे नीचे डालना है, आई वॉन्ट टू डिग्रेड माई कॉन्शियसनेस, कुछ उपाय बताइए। तो ए और बी दोनों को अपने अपने प्रश्न समझ में आ गए, आपके पास दो मिनट है, आप लोग चर्चा कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्रश्न पूछना है, जवाब देगा तो सुन लेना है, झापड़ नहीं लगानी है, बिल्कुल जवाब को अच्छे से सुन लीजिए। If you have any difficulty, the question is written on the screen.
हरे कृष्ण You need more time? You need more time? 30 seconds more. Okay. I think it's over now. Right? ठीक है? Activity हो गया? लोगों को लगा अचानक क्या चहल पहल चालू हो गई, लोग बाहर से देख रहे थे क्या हो गया क्या हो गया, क्लास खत्म हो गया। तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि जो सजेशन आपके पार्टनर ने दिया है वो बिल्कुल अच्छा सजेशन है, चेतना को उन्नत करने के लिए और चेतना को डिग्रेड करने के लिए भी क्या सजेशन दिया है? वाओ, कितने लोगों को लगता है? नहीं लग नहीं रहा है तो हाथ नीचे रखी है, वो कुछ आवश्यकता नहीं है, वो उठा रहा है, वो उठा रहा है, मैं भी उठा दू। अच्छा अच्छा, आप दोनों आ जाइए, आगे आ जाइए। किरण प्रो, गिव द माइक। और किसको लग रहा था? और किसको लग रहा था? हाँ, आपका भी पैर आ जाइए, रेडी। और किसको लग रहा था? एनीवन? आप यहाँ पे? अरे बहुत लोग। अच्छा, आप लोग आ जाइए। हाँ चलो, आपका क्या प्रश्न था इनको? हाउ टू अपलिफ्ट, क्या जवाब दिया उन्होंने? थिंकिंग दैट वी आर नॉट द कंट्रोलर, God is controller, so we will not react on the situation. So thinking that God is the controller, we are not the controller, and therefore we should not react but respond to the situation. Nice suggestion to uplift the consciousness. आपके पास? He said the vice versa, that we should. How to degrade the consciousness? He said the same thing which I said, like we should react to the things and not respond. We should react. क्या बोल रहा है तू? हाँ! We should react to the situation. कुछ भी बोलता है. And also he said that. That we are the controller and there is no thing. Like I am God. The controller and there is no God. I take the control and then I react and then I suffer and that's why I degrade my consciousness. Okay, thank you. आपका नाम बताओ पहले। विश्वनाथ डे। विश्वा? विश्वनाथ डे। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, क्या प्रश्न था आपका इनको? How to purify and uplift? क्या जवाब दिया इन्होंने? साधु संघ। साधु संघ, वाह, साधु संघ, वेरी गुड। आपका नाम? मानस जाधव। मानस जी, क्या, हाउ टू डिग्रेड कॉन्शियसनेस? किसी कैरेक्टरलेस व्यक्ति के साथ किसी कैरेक्टरलेस व्यक्ति के साथ चलो जाओ, यू विल डिग्रेड योर कॉन्शियसनेस। थैंक यू, वंडरफुल। और गौर किशोर, क्या था आपका प्रश्न? हाउ टू डिग्रेड, क्या बताया प्रभु जी ने? डीमोटिंग करना, क्या इंसल्टिंग करना, डीमोटिवेट करना, इंसल्ट करना, डीमोटिवेट करना, ओके, रिएक्टिंग बेसिकली, ओके। एंड ऋषिकेश, यस, हाउ टू अपलिफ्ट, आपका प्रश्न था? यस, ओके। सो फॉर दैट टू स्टे काम, जस्ट लिसन प्रॉपरली एंड स्टे फोकस्ड एंड कंट्रोल योर माइंड। Stay focused and control your mind. That is the way to uplift your consciousness. Correct? Yes. Thank you. तो सेमिनार की आवश्यकता नहीं आ गया अक्सर। आप लोगों को पता है, आप पंडित बन गए अभी। थोड़े समय के साधु संघ से पंडित बन गए। कि how to upgrade and how to degrade consciousness. और किसी के पास कुछ सुझाव थे जो यहाँ पे नहीं आए लेकिन इससे अलग कुछ सुझाव था? Yes, आपके पास? हाँ? माइक दे दो। पास ऑन द माइक, एक और सजेशन सुन लेंगे हम लोग। आपका नाम बताइए पहले। हेलो, मेरा नाम प्रीतम है। प्रभु जी का डिग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा सजेशन था कि आप चार जो इस्कॉन के प्रिंसिपल्स हैं, नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और एक और क्या था प्रभु जी? Intoxication. So basically, आप ये चारों चीजों में indulge हो जाइए, आपका degrade तो पक्का है। वाह, good. चार नियम break कर दो, आपका consciousness अपने आप degrade हो जाएगा। चार नियम follow करो, अपने आप uplift हो जाएगा। नीचे से lift मिलेगा आपको। Lift सुना आपने?
लिफ्ट कैसे ऊपर लेके जाती है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज को ऊपर से नीचे आने के लिए समय नहीं लगता है, राइट? जल को आप ऊपर से नीचे फेंक दीजिए, तुरंत चला जाएगा। लेकिन किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाना है, अभी उसी पानी को यदि ऊपर लेके जाना है तो आपको पंप लगेगा, राइट? यू नीड अ पंप। ग्रेविटी की वजह से नीचे आना बिल्कुल आसान है, जैसे हमने देखा था वो फाल्कन भी ग्रेविटी का उपयोग करके 300 किलोमीटर पर आवर से नीचे आता है। तो ग्रेविटी सब जगह लागू होती है, तो चेतना के ऊपर भी ग्रेविटी लागू होती है। चेतना धीरे 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 नीचे आती रहती है, हमें उसे उन्नत करके ऊपर उठा के रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत क्या करनी होगी, आगे हम देखने वाले हैं चेतना को शुद्ध करने के उपाय, हाउ टू प्यूरिफाई, हाउ टू अपलिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस। उसमें सर्वप्रथम उपाय है चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना। आप में से कितने थे जिन्होंने सजेशन दिया था ये भगवान के नाम का जप करना? वाओ, माय गॉड, सो मेनी हैंड्स आर अप। भगवान के नाम का जप करने से हमारी चेतना उन्नत हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मष नाशनम्। ये 16 अक्षर वाला मंत्र कली कल्मष नाशनम, कलियुग के कल्मष को नाश कर देता है और चित्त में जो गंदे गंदे संस्कार हुए उसे धो डालता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे चेतो दर्पण मार्जनम, यही चित्त जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसकी उसकी तुलना आईने के साथ की गई है। आईना जानते हैं, आईना, आईने में हम सब लोग हाउ डू आई सी, हम अपने आप को देखते हैं, परखते हैं आईने में। तो आईना का कार्य होता है वस्तु को यथारूप प्रस्तुत करना, उसी प्रकार से चित्त का काम होता है उस आत्मा, हमने देखा था ना अंदर क्या है आत्मा, बाहर क्या है जगत, तो आत्मा को प्रकाशित करना ये चित्त का कार्य है। लेकिन उसके ऊपर धूल बैठी हुई है, कई सारे अनर्थों की, कई जन्मों की धूल इकट्ठा हुई है, इसलिए उसे साफ करना है। तो भगवान के नाम का जप हमें करना चाहिए। नातः परतो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देख लिया है मैंने लेकिन इससे बड़ा कोई उपाय नहीं मिल रहा है, ऐसे बताया गया है। तो ये सबसे बड़ा उपाय है हमारी चेतना को उन्नत करने का और शुद्ध करने का। दूसरा बताया गया है हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना। जैसा हम लोग कथा करते हैं, सुनते हैं, प्रवचन होते हैं, साधु संघ किसी ने कहा था, तो सुनने से भी लाभ होता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानांबावसरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथाशरत धुनोति, धुनोति जानते हैं धोना, धुनोति धोना, धो डालना। तो क्या धो डालता है, कौन धो रहा है? प्रविष्ट प्रविष्ट प्रवेश, समझते प्रवेश, प्रविष्ट कहां से प्रवेश किया है, कर्ण रंध्रेण, कानों के छिद्रों से जब प्रवेश करती है भगवान की कथा। स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, शरद ऋतु अभी आएगी, जैसे अभी जो वर्षा ऋतु चल रहा है, नदी का पानी कितना गंदा होगा देखा है आपने, बिल्कुल गंदा, बाढ़ आती है तो सब गंदा जल होता है। लेकिन जब ऐसे वर्षा ऋतु आगे 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 जाती जाएगी, जब शरद ऋतु आएगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा, अक्टूबर हीट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें वो सारा गंदगी चला जाएगा और नदी का जल जैसे स्वच्छ शुद्ध अनुभव करेंगे, उसी प्रकार से भगवान की कथा जब कर्णों कानों के माध्यम से हृदय तक चली जाती है तब हमारे हृदय को उसी प्रकार से शुद्ध करती है, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनना वो भी हमारे चित्त को शुद्ध करने का उपाय है। तीसरा चेतना को शुद्ध करने का उपाय है रीडिंग स्क्रिप्चर्स रेगुलरली, शास्त्रों को अच्छे से और नियमित रूप से पढ़ना। क्योंकि शास्त्रों को जब आप पढ़ते हैं तो जो बुद्धि तर्क करने वाली है, पता है हमने देखा था बुद्धि, बुद्धि तर्क वितर्क करती है, बुद्धि तक आ जाएगा ना, बुद्धि अपना वैल्यू एडिशन करके आगे पास ऑन करने वाली है। तो बुद्धि को तर्क करने की क्षमता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहीं पे तय होगा और उसी हिसाब से संस्कार बनेंगे। सिगरेट स्मोकिंग,
गुड और बैड? बैड. आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी ने बोला है. नहीं ना, आप बोले. तो सिगरेट स्मोकिंग इज बैड, आप लोगों ने बोला है. करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. तो ये बुद्धि ने तय किया है कि नहीं करना चाहिए. और बुद्धि को क्षमता कहाँ से मिलती है? आपने कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं से सुना होगा ना ये बैड है. कैसे अपने आप आज मैं उठ गया सिगरेट स्मोकिंग इज बैड? कहीं से तो पढ़ा होगा, कहाँ से सुना होगा, कहाँ पर कुछ अनुभव किया होगा. उस ज्ञान के आधार पर आप बात कर रहे हैं. ये ज्ञान की बातें हमें शास्त्र बताता है. इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि. इस संसार में जब हम जीवन यापन कर रहे हैं तो शास्त्रों को जानना चाहिए. ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों के विधानों को जानकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको तय करना चाहिए. न कि मेरा मन क्या कह रहा है उसके आधार पर मैं तय करूंगा. तो हमें निर्णय लेना है तो शास्त्रों के आधार के. इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों को प्रमाण रखते हुए, शास्त्रों को प्रमाणित, शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणित है उन्हीं कार्यों को हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे. उस प्रकार से जब हम निर्णय कर लेंगे और निर्णय की क्षमता बुद्धि में होती है तो अभी तक तो जो संस्कार है चित्त के ऊपर है, लेकिन अभी हम जो नए संस्कार डालेंगे वो अच्छे रहेंगे. चौथा उपाय है चेतना को शुद्ध करने के लिए, रेगुलेटिंग द इंटेक ऑफ द सेंसेस. इसलिए हमारे इंद्रिय, हमने देखा ना, सर्वप्रथम आँखों से आम को देखा, जिह्वा से चखा, नाक से सूंघा, कान से सुना कौन सा आम है. तो ये जो सारे इंद्रियों में हम लोग इंप्रेशंस लेके इंटेक कर रहे हैं, ये पांच ज्ञानेंद्रियां खास करके, पांचों के पास, पांचों इस चित्र में उपस्थित है. इसलिए हमारे उपनिषद में कहा जाता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही स्मृतिर लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः. आहार शुद्ध हो, जब हमारा आहार शुद्ध हो जाता है सत्व शुद्धि, उससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है. सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, हमारा अस्तित्व शुद्ध होने से हमारी स्मृति बलवान हो जाती है, निश्चयात्मिका बन जाती है. और उस स्मृति के आधार पर सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षः, जो सारी ग्रंथियां गांठ बांध के रखी है जो पुराने संस्कारों की, उनसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है. वो उससे मोक्ष मिलता है. जैसे कई बार कुछ गांठें होती है इस प्रकार से बंधी जाती है, छूटती नहीं है, क्या करते हैं हम, सीधा कैंची लेके काट देते हैं ना. उसके विप्रमोक्ष कहा गया है कि खोल दो सारे गांठों को. तो इस प्रकार से संस्कार की, एक बार गुलाब जाम खाया एक गांठ बांधी गई, दूसरी बार गुलाब जाम खाया दूसरी गांठ, ऐसे गांठ के ऊपर गांठ के ऊपर गांठ, देखा है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मेश स्ट्रक्चर हो जाता है. और जन्म जन्म से हम जो भी करते आ रहे हैं बुरी आदतें, वो इतनी बड़ी गांठ हो गई है. इसके लिए हमें रेगुलेट इनटेक जो है हमारे सेंसेस का, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए. और आहार जो है यहाँ पर शब्द लिखा हुआ, ये तो सारी इंद्रियों के आहार हो गए. कर्ण का भी आहार है, आँखों का भी आहार है, जिह्वा का भी आहार है, ये सारे आहार है अपने अपने इंद्रियों के. और वास्तव में जो भी हम लोग खाते हैं, आपने सुना है कहावत, जैसा हम खाते वैसा हम बनते, राइट? जैसा संग वैसा रंग. वो रंग किसका है? चित्त का. चित्त को वैसा रंग चढ़ जाता है जैसा हम लोग संग करते हैं. तो इसलिए हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग किस प्रकार के लोगों के साथ रह रहे हैं, इससे हमारे शरीर के पुर्जे भी परिवर्तित होते हैं. मैं एक रियल इंसिडेंस आपको सुनाऊंगा कि कैसे 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 संस्कार परिवर्तित भी हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया की घटना है, दंपति रहते हैं पति पत्नी. उसमें जो पत्नी थी उसको चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी, उसे बहुत अच्छे लगते थे चॉकलेट, माय गॉड बहुत अच्छे लगते थे. ये जो पति थे इनको किडनी की बहुत बड़ी बीमारी थी. एक दौर ऐसा आया कि वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने कहा किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा. तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल में गए, भर्ती हो गए, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, एक सप्ताह वहीं पर एडमिट रहे.
एक सप्ताह के पश्चात वहां से घर पे आए, घर पे रुके, जो बेडरूम था उसमें वो रेस्ट कर रहे थे। उनकी पत्नी को क्या अच्छा लगता था? चॉकलेट्स। तो एक दिन उनकी पत्नी घर में आई, देखिए उन्होंने ड्रावर में भर के चॉकलेट रखे थे, चॉकलेट गायब, चॉकलेट गए किधर? उस बाय द वे जो पति था उसको चॉकलेट, ही यूज टू हेट चॉकलेट्स, उसको चॉकलेट बिल्कुल अच्छे, चॉकलेट के सी से भी उसे नफरत था, इतना द्वेष करता था वो चॉकलेट से, चॉकलेट उसे पसंद नहीं थे। उसी कमरे के अंदर जहां पर वो सोया था, ड्रॉवर्स में चॉकलेट भरे हुए थे, पत्नी को एक चॉकलेट नहीं मिल रहा है, घर में और कोई नहीं है, चॉकलेट गए कहां? तो हस्बैंड बोलता है मुझे अचानक अटैक आया। कौन सा अटैक? चॉकलेट खाने का अटैक। हमें भी कई बार अटैक आता है, मुझे चाहिए, तो ऐसे उसको चॉकलेट खाने का अटैक आया, उसने सारे चॉकलेट खा लिए। द सेम पर्सन हु यूज्ड टू हेट चॉकलेट्स, ही कंप्लीटेड फिनिश्ड एंटायर ड्रॉवर फुल ऑफ चॉकलेट्स। कैसे हो गया? पत्नी को भी समझ में नहीं आया, माई को पत्नी बिल ठीक है, अभी क्या करे, पति को भी समझ में नहीं आया तो हो क्या रहा है। तो जो अगले चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास गए, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, डॉक्टर को उन्होंने प्रश्न पूछा कि डॉक्टर एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ, पत्नी बोल रही थी अभी उसको कंप्लेंट करें, कहाँ तो करना चाहिए ना, किसके पास करेंगे। डॉक्टर को पूछा ऐसा कभी होता है क्या कि व्यक्ति एक चीज से प्रेम करता है उसी चीज का द्वेष करने लगे किडनी ट्रांसफर के बाद, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर बोले क्यों क्या हो गया? बोले ही दिस पर्सन यूज टू हेट चॉकलेट, ही इमीडिएटली हैड एन अटैक एंड ही एट सो मेनी चॉकलेट्स। तो डॉक्टर ने कहा वो ऐसा है क्या? तो डॉक्टर बोले कि ठीक है। डॉक्टर ने फिर तुरंत केस हिस्ट्री की निकाली, जिस व्यक्ति का किडनी लिया था ट्रांसप्लांट करने के लिए उस व्यक्ति को चॉकलेट खाने की आदत थी, उसको चॉकलेट पसंद था, अच्छा लगता था। तो अभी उस व्यक्ति को जिसे चॉकलेट खाना पसंद है उसकी किडनी निकाल के इस व्यक्ति के अंदर डाली है जिसको चॉकलेट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसे चॉकलेट खाना अच्छा लग रहा है और अटैक आ गया चॉकलेट खाने का, अचानक से उसने चॉकलेट खा ली। तो कल्पना कीजिए इसको, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि संस्कार कितने गहरे होते हैं कि शरीर के पुर्जों में भी वो चले जाते हैं। इसलिए हमारे वैदिक सभ्यता में कहते हैं कि चेतना ट्रांसफर हो सकती है, पता है आप लोगों को, ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए हमारी संस्कृति में हैंडशेक संकल्पना नहीं है, नमस्ते भाई, तेरी चेतना तेरे पास, मेरी चेतना मेरे पास, बी सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये चेतना, तो चेतना इस प्रकार से देखे, हमने कई कई बार देखा होगा आपने, ये दूसरे का झूठा नहीं खाने का, दूसरे की चप्पल मत पहनो, खुद के कपड़े पहनो, खुद की चप्पल पहनो, खुद के सब कुछ का। तो इसके पीछे एक्चुअली एक सूक्ष्म बहुत बड़ा विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है इसे कहा जाता है। तो हमारी चेतना हमारे शरीर में सब जगह, उसके साथ साथ शरीर के सारे पुर्जों में, चित्त में इस हद तक गहराई में चली जाती है, तो इसे उन्नत करना मुश्किल होता है। इसलिए हमें क्या कहा गया है कि रेगुलेट योर व्हाट यू ईट ऑल्सो मैटर। इसलिए कहा गया कि चेतना, जो व्यक्ति आपके लिए भोजन बना रहा है उस व्यक्ति की चेतना क्या थी वो भोजन बनाते समय, वो भी हमारी चेतना के अंदर ट्रांसफर होता है, पता है आप लोगों को। तो कल्पना कीजिए आप होटल में गए हैं, ऐसा व्यक्ति, आज कितना तारीख है, 6 तारीख है, अभी तक कमीने ने मेरा सैलरी निकाला नहीं है, तड़का मार रहा है कुक, आप वही भोजन खा रहे हैं, मेरी सैलरी क्यों नहीं हुई अभी तक मुझे उससे पैसे आने वाले थे अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हो गया? तो वही चेतना का ट्रांसप्लांटेशन इस प्रकार से हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि दो व्यक्तियों के हाथ का खाना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, एक है आपकी माँ और दूसरी आपकी पत्नी, जो आपके हित के लिए आपको बना के खिलाती है। इसलिए घर का बनाया हुआ भोजन सबसे अच्छा भोजन। इसलिए क्या हम लोग खा रहे हैं, कहाँ पर खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायना रखता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपलिफ्टिंग अवर कॉन्शियसनेस, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ इवन माइन्यूट डिटेल्स, कि मैं कौन सी मूवी देख रहा हूं,
मैं क्या वल्गर सीन देख रहा हूँ या मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग। तो हमारे इंद्रियों के माध्यम से मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ। इसलिए सॉफ्टवेयर में एक प्रिंसिपल होता है, गीगो प्रिंसिपल, आपने सुना है गीगो। एक मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। बोलिए मेरे पीछे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, इसे कहते हैं गीगो। क्या कहते हैं? गीगो, गीगो। आपको बहुत बड़ा सूत्र मिल गया आज। तो व्हाट यू अलाउ इन, एंट्री क्या कर रहे हैं आप, और एंट्री पॉइंट केवल पांच है, पांच ज्ञानेंद्रियां, केवल पांच एंट्री पॉइंट है हमारे शरीर में, उससे ही हम लोग एंट्री देते हैं किसी को। आंखों से एंट्री देंगे, कानों से देंगे, नाक से देंगे, जिह्वा से देंगे या त्वचा से देंगे, इसके अलावा एंट्री पॉइंट है ही नहीं। तो इन पांच एंट्री पॉइंट में से हम लोग गार्बेज को यदि एंट्री देंगे तो हमारी चेतना डिग्रेड हो जाएगी, गार्बेज बन जाएगी। और इन्हीं पांच इंद्रियों से यदि हम लोग कुछ गुड, कुछ अच्छा इनपुट देते हैं तो वही हमारी चेतना को अपलिफ्ट करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देख भाई, ये एंट्री पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक सम दिया है सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का, पांच स्टेप से उसमें पहला स्टेप गलत हो गया, क्या सही जवाब मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप, एंट्री इट्सेल्फ इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेप इज रॉन्ग, यू कांट गेट अ करेक्ट आंसर। तो इसलिए उसको सुधारना है आपको, करेक्ट आंसर चाहिए तो कहां पे सुधार लाना होगा? फर्स्ट स्टेप में सुधार लाना होगा। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए श्लोक, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम। मैं आपको क्यों बोलने के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि ये शब्द भगवान के वाणी के द्वारा आए हुए हैं। जितना हम हमारे शब्द उन शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं उतना हमारी चेतना उन्नत और विकसित हो सकती है। तस्मात् त्वम, इसलिए तस्मात् मतलब देयर फॉर, त्वम इंद्रियाण्य आदौ, आदौ मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, आदि, शुरुआत में ही इंद्रियों के माध्यम से इसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करो, नियम्य नियमन करने का प्रयास करो। किसके ऊपर? काम के ऊपर, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये हमारे ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है। इसलिए हमें इनपुट के समय ही उसको ब्लॉक करना चाहिए, नहीं तो वही इनपुट फिर बाद में जाके वो एक प्रकार का संस्कार बना देगा। और आपको पता है कुछ यदि जख्म हो जाती है तो उसे अंग्रेजी में स्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कार। और हमारा जो शब्द है संस्कार, संस्कार और अंग्रेजी वाला स्कार, इसमें काफी गहरा संबंध है। तो स्कार एक मार्क बन जाता है। उसी प्रकार से इंद्रियों से जो भी कुछ हम लोग ले रहे हैं वो चित्त के ऊपर एक स्कार मार्क कर रहा है, एक संस्कार छोड़ रहा है। जो वस्तु चली जाएगी लेकिन उसकी यादें वो हमेशा हमारे चित्त के अंदर इतनी गहराई में रहेगी कि कई बार उसे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें उन्नत करना है तो ये सारे उपाय इनके करने होंगे। और पांचवा उपाय होता है कि कल्टिवेटिंग द मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण का विकास अपने अंदर करना, जिससे चेतना का विकास हो सकता है। गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तीन गतियां बताइए, ऊर्ध्व, मध्य और अधः। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, मध्य मतलब वही मध्य में, और अधः का अर्थ होता है नीचे। तो हमारी चेतना को हमें कहाँ लेके जाना है, नीचे या ऊपर? तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः, भगवान कहते हैं सत्वगुण में रहेंगे तो ऊपर जाओगे, रजगुण में रहेंगे तो मध्य में स्थित रहेंगे, और तमोगुण में जाएंगे तो अधः, निचली गति प्राप्त होगी। तो हमें सत्वगुण का विकास करना है। तो इसलिए दिन के भी समय होते हैं अलग अलग, और सुबह का समय सत्वगुण में माना गया है। तो इसलिए चेतना का विकास करना है तो सात्विक आहार ग्रहण करना है, चेतना का विकास करना है तो सुबह जल्दी उठना है, सात्विक लोगों का संग करना है। ये सारे उपाय ये सत्वगुण के अंदर सम्मिलित है। और आखिरी उपाय चेतना को शुद्ध और उन्नत करने का, विजिटिंग द होली प्लेसेस एंड द होली पीपल। जैसे किसी ने कहा था साधु संघ, आई थिंक आपने कहा था,
समवन टोल्ड साधु संघ यहाँ पे आके बताया था. हाँ आपने साधु संघ कि साधुओं की संगति में हमारी चेतना की उन्नति होती है. इसी प्रकार से जगह भी ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी चेतना का विकास हो सकता है. कितने लोगों को लगता है कि मंदिर में आके एक घंटा बिताने के बाद हमारी चेतना थोड़ी सी विकसित हो जाती है? थोड़ी सी तो विकसित हो जाती है, 1%, 2%, 5%, 10%. वेरी गुड, हैपन्स. वी हैव द एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे सारे चेतना के स्रोत परम चेतना भगवान निवास करते हैं. तो उनका दर्शन, उनका नाम का कीर्तन, भक्तों का संग, उनकी वाणी, उनका प्रवचन, भगवान का प्रसाद भोग लगा हुआ, ये सब जब हम इतने सारे, इसलिए यहाँ पर जो है वह सारे सेंसेस के इनपुट को बदली किया जाता है. इसी को योग कहते हैं. योग हम शुरुआत में जा रहे हैं, हमारी पहली डेफिनेशन, योगस चित्त वृत्ति निरोध. चित्त की वृत्ति अभी इस जगत की ओर है, इस जगत के इनपुट्स हम लोग ले रहे हैं, इसलिए वो डिग्रेड हो रहा है. उसकी जो वृत्ति है वो वहां से निकाल कर उसे उसे रोकना है. चित्त वृत्ति निरोध योग. योग का अर्थ इसलिए कहा गया है जोड़ना. योग शब्द आता है युज धातु से, जिसका अर्थ होता है जोड़ना. तो इस चित्त को जो उसकी गलत गलत वृत्तियां हैं वहां पर रोकना और उसको भगवान के सम्मुख करके आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, हमारी व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ना, उसे योग कहा जाता है. इसलिए प्लेसेस एंड पीपल, ये जो छटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इसलिए आपकी चेतना के विकास का एक बम्पर पैकेज आपको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. एक छोटा सा वीडियो जो कि कितने लोग चाहते हैं कि आपकी चेतना विकसित हो जाए, अभी इतना सुनने के पश्चात विकसित हो जाए, विकास चाहते हैं. Everyone wants, right? तो आपके लिए एक बम्पर पैकेज, जैसे कोई है ना, एक किताब पढ़ लो आप हमकास पास हो जाएंगे परीक्षा में, तो उसी प्रकार से ये बम्पर पैकेज है जो चेतना के विकास को 10x कर देगा. ये शब्द सुना होगा आजकल आपने, ग्रो योर बिजनेस 10x टाइम्स, सुना होगा 10x. तो उसी प्रकार से ग्रो योर कॉन्शियसनेस, अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस 10x, 10 गुना